कुख्यात आरोपी विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज सुबह कानपुर के पास एनकाउंटर में मार गिराया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में गिरफ्तार किया था और उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा था। उत्तर प्रदेश पुलिस जब गाड़ी में काफिले के साथ उसे कानपुर ले जा रही थी, तभी रास्ते में जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वही गाड़ी पलटी खा गई और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस जवानों की राइफल छीनी और फायरिंग की, जिसमें 4 पुलिस जवान घायल हो गए। वहीं विकास दुबे को भी उसी घटनास्थल पर मार गिराया है। यह कहानी पुलिस की बताई हुई है, लेकिन हकीकत तो यह है कि 5-7 पुलिस की गाड़ियों के काफिले में से केवल विकास दुबे वाली गाड़ी ही पलटी खाई और अन्य जो गाड़ियां थी उसमें ना तो उस गाड़ी को कवर किया और ना ही वापस विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश की। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की हकीकत सामने नहीं आई। जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था उसमें एसटीएफ की टीम भी सवार थी, जिसे पुलिस ने बयान देते हुए कहा है कि दुबे के साथ मुठभेड़ में सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि घायल है तो वो कहाँ है, अभी तक उन्हें अस्पताल क्यों नहीं लाया गया। राजनीतिक विपक्षों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर दुबे से पूछताछ होती तो उससे कई नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आते। इसलिए यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सोची समझी साजिश की गई। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।